जय श्री कृष्णा बंधुओं, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आता होगा कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, क्योंकि प्रश्नों के जब तक सटीक उत्तर न मिल जाए तब तक व्यक्ति धर्म संकट में रहता है कि वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े या कर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। परंतु यह मात्र मन का भ्रम है और व्यक्ति को शंका ने भ्रमित कर रखा है, क्योंकि कोई भी मनुष्य या प्राणी कर्म के बिना नहीं रह सकता। वह लगातार कर्म करता ही रहता है, वह चाहे निद्रा अवस्था में हो या फिर जागृत अवस्था में हो, एवं उन्हीं कर्म फल से व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। जो मनुष्य सत्कर्म करते हैं उनका भविष्य सुखद होता है एवं उनके पाप कर्म कम होते हैं, जिससे लोक एवं परलोक दोनों में ही मनुष्य सुख पाता है। किंतु दुष्कर्म करने वाले मनुष्य को इसके विपरीत फलों की प्राप्ति होती है, जिससे दुष्कर्म करने वाला मनुष्य पतन की ओर जाता है। बंधुओं, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को मात्र कर्म करना ही नहीं अपितु सत्कर्म करना भी आवश्यक है, और धर्म ही व्यक्ति को सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। धर्महीन अर्थात अधर्मी व्यक्ति के कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं, जिससे ऐसे मनुष्य स्वयं तो दुखी होते ही हैं और साथ में सगे संबंधी एवं मित्रों के भी दुखों का कारण बनते हैं। और धर्म सम्मत कार्य करने वाले स्वयं का तो भविष्य संवारते ही हैं, साथ में सगे संबंधी एवं मित्रों को भी सुखी करते हैं। धर्म सम्मत व्यक्ति किसी भी परिणाम या फल की आशा किए बिना ही निष्काम कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समस्त संसार की भलाई एवं सुख हेतु तत्पर रहते हैं, जबकि अधर्मी मनुष्य के कर्मों में क्रोध, मोह, लोभ, दुष्टता, अहंकार एवं स्वार्थ जैसे अवगुण शामिल होते हैं, जो आने वाले कल में उसके दुखों का कारण बनते हैं। बंधुओं, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस पृथ्वी में धर्म की हानि होती है और विनाश के कार्य होते हैं, धर्म का लोभ एवं अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए अर्थात धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। मित्रों, धर्म के बिना किया गया कर्म पाप को बढ़ाता है एवं कर्म के बिना धर्म की अभिव्यक्ति नहीं होती। परंतु अगर धर्म और कर्म दोनों की तुलना की जाए तो धर्म ही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि धर्म ही है जो मनुष्य को अच्छे कर्म करना सिखाता है। पापी मनुष्य भी कर्म करता है और पुण्यात्मा मनुष्य भी कर्म करता है, परंतु पुण्यात्मा मनुष्य का कर्म उत्तम है तथा पापी मनुष्य का कर्म निकृष्ट है। मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।